आप भी सूर्य कुमार यादव को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी गेंदबाज शादाब खान और सूर्य कुमार यादव के बीच भयंकर लड़ाई हो गई है। जी हाँ, जब पाकिस्तानी स्पिनर शादाब खान स्लेजिंग करते हुए सूर्य के करीब गए, उसके बाद विराट कोहली ने सूर्य ने जो किया उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। क्या था पूरा मामला और क्यों हुई ये भयंकर लड़ाई, वो सब जानेंगे इस वीडियो के अंत में, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से महान खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ सुपर फोर के मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी कुछ अलग ही सोचकर साथ मैदान पर उतरे हैं। बता दें कि रोहित शर्मा और केएल राहुल ने टीम इंडिया को घातक शुरुआत दिलाते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, और जब ये दोनों खिलाड़ी आउट हुए तब ये जिम्मेदारी विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने उठा ली। लेकिन इसी मुकाबले में एक मौका ऐसा आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जी आपको बता दें, पाकिस्तानी स्पिनर शादाब खान ने सूर्य कुमार यादव को गेंद डाली जिस पर अपने ही अंदाज में सूर्य कट शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर रिजवान के हाथों में चली गई। पर इस पर रिजवान ने जोरदार अपील की लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी थी। इसी दरमियान गेंदबाज शादाब खान सूर्य कुमार यादव को कुछ कहते हुए नजर आए। जी हाँ, बेहद अग्रेसिव अंदाज में हुए सूर्य के करीब आ गए। वहीं शादाब खान आए ही थे कि पाकिस्तानी विकेट कीपर रिजवान भी सूर्य के करीब आ गए। मामला काफी गंभीर हो चुका था और ये खिलाड़ी एक दूसरे को शब्दों में हेरफेर करते हुए नजर आए। मामला ज्यादा गर्म होता नजर आ रहा था लेकिन फिर दोनों खिलाड़ी वहां से चले गए और मुकाबला शांत हुआ। हालांकि इसके बाद सूर्य कुमार यादव ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 10 गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाज का शिकार हो गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसकी गलती थी, शादाब खान की या फिर सूर्य कुमार यादव की? आप अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।